सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो में। ये पार्ट सेकंड होने वाला है। अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जाइए। पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि हमने सीकर से और फतेहपुर से कवर्टी तक कवर किया है फुल डिटेल के साथ। कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कम्प्लीट हो चुका है, किस लोकेशन तक वायरिंग कम्प्लीट हो चुकी है। तो अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो जाके देखना जरूर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर इस वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद ये पार्ट सेकंड होने वाला है, जो कि हम फतेहपुर से कवर्टी से और चूरू तक कवर करने वाले। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज, अभी हम रवाना हो चुके हैं फतेहपुर सेकावटी रेलवे स्टेशन से। और आपको मैंने पार्ट फर्स्ट में बता दिया था कि फतेहपुर सेकावटी रेलवे स्टेशन पर कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है। फिर भी मैं आपको इस वाले पार्ट में बता देता हूं कि फतेहपुर सेकावटी रेलवे स्टेशन पर अभी पोल्स लगाए गए हैं। पोल्स को 90 डिग्री पे खड़ा कर स्टार्ट और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क कंप्लीट किया जा चुका है, परंतु अभी यहां पर वायरिंग का काम स्टार्ट नहीं किया गया है फतेहपुर सेकावटी रेलवे स्टेशन पर। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आगे देखते हैं आगे कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज, फतेहपुर सेकावटी रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद अब बात करें लोकेशन की, तो अभी हमें कायमसर फतेहपुर सेकावटी रेलवे स्टेशन के बीच का लोकेशन, यहाँ पर आपने देखा होगा कि काफी लोकेशन पर अभी पोल्स नहीं लगाए गए हैं, यानी फाउंडेशन का वर्क कंप्लीट किया जा चुका है। और फाउंडेशन के बगल में, या आप बोल सकते हो चैम्बर्स के बगल में, पोल्स भी रख दिए गए। हो सकता है कि फाउंडेशन में कुछ कमी होने के कारण अभी पोल्स नहीं लगाए होंगे, तो इसी कारण से यहाँ पर पोल्स नहीं लगाए गए। और आगे आप देखोगे कि कुछ लोकेशन पर ही पोल्स नहीं लगाए गए, परंतु ज्यादातर लोकेशन पर यहाँ पे पोल्स भी लगा दिए गए और स्टेट ट्यूब और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क भी कंप्लीट किया जा चुका है। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आपको मिलता है कायमसर रेलवे स्टेशन के स्कीप के बाद। सो गाइज, अभी हम स्किप कर रहे हैं कायमसर रेलवे स्टेशन, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं लगाए गए हैं, ना ही यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कुछ वर्क का सामान रखा हुआ है इस वाले प्लेटफॉर्म पर, आप देख सकते हो। पर यहाँ पे फाउंडेशन का वर्क कम्प्लीट किया जा चुका है कायमसर रेलवे स्टेशन पर। अभी आपको बता देता हूँ, कायमसर रेलवे स्टेशन पर अभी फाउंडेशन का वर्क ही कम्प्लीट किया गया है और अदर कुछ भी वर्क यहाँ पर नहीं किया गया है कायमसर रेलवे स्टेशन पर। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और जो भी कुछ बताने का होगा तो आपको बता देंगे। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को।
सो गाइज, रामगढ़ सिक्योरिटी रेलवे स्टेशन से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोल्स लगा दिए गए और वो भी 90 डिग्री पर खड़े किए जा चुके हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स को 90 डिग्री पर खड़ा किया जा चुका है। स्टेट ऑफ ब्रेक ट्यूब्स का वर्क भी यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक पोल्स 90 डिग्री पर खड़े हो चुके हैं और इलेक्ट्रिक पोल्स पर स्टेट ऑफ ब्रेक ट्यूब्स भी लगा दिए गए। रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आपको मिलते हैं रामगढ़ सिक्योरिटी रेलवे स्टेशन के अराइवल पर और आपको बात बताएंगे कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। सो गाइस, अब हम पहुंचने वाले हैं रामगढ़ सिक्योरिटी रेलवे स्टेशन और काफी खूबसूरत से कर्व के साथ हम ले रहे हैं अराइवल रामगढ़ सिक्योरिटी रेलवे स्टेशन पर। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो रामगढ़ सिक्योरिटी रेलवे स्टेशन और कायमसर रेलवे स्टेशन के डिस्टेंस की बात करें तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अभी इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए गए हैं, जिसपे स्टेट ऑफ ब्रेक ट्यूब्स का वर्क भी कम्प्लीट किया जा चुका है। परंतु 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अभी इलेक्ट्रिक पोल्स भी नहीं लगाए गए हैं और कुछ जगह इलेक्ट्रिक पोल्स लगा दिए गए तो उन्हें 90 डिग्री पर अभी खड़ा नहीं किया गया है। ओनली चैम्बर्स में रख दिए गए हैं इलेक्ट्रिक पोल्स को और ना ही स्टेट ऑफ ब्रेक ट्यूब्स का अभी वर्क स्टार्ट किया गया है 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। और कुछ लोकेशन पर अभी पोल्स भी नहीं लगाए गए हैं कायमसर रेलवे स्टेशन से। ये कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट थी। और रामगढ़ सिक्योरिटी रेलवे स्टेशन की बात करें इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक पोल्स भी लगा दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स पर स्टेट ऑफ ब्रेक ट्यूब्स का वर्क भी यहाँ पर कम्प्लीट किया जा चुका है, परंतु अभी यहाँ पर वायरिंग का काम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया गया है रामगढ़ सिक्योरिटी रेलवे स्टेशन पर। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आगे चलते हैं आगे कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कम्प्लीट हो चुका है। सो गाइज, रामगढ़ सिक्योरिटी रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद आप इस वाले लोकेशन पर देख सकते हो सामने आपको इलेक्ट्रिक पोल्स दिख रहे होंगे, तो अभी इन्हें 90 डिग्री पर खड़ा नहीं किया गया है। ओनली फाउंडेशन में पोल्स को रख दिया गया है, ना ही स्टेट ऑफ ब्रेक ट्यूब्स का वर्क स्टार्ट किया गया है। रामगढ़ सिक्योरिटी रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद जो कर्व आता है चूरू की ओर जाते हैं, तो इस वाले लोकेशन पर अभी ओनली इलेक्ट्रिक पोल्स को फाउंडेशन में रख दिया गया है। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आगे देखते हैं आगे कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कम्प्लीट हो चुका है।
सो गाइज अभी हम स्किप कर रहे हैं बिसाऊ रेलवे स्टेशन, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए अभी इलेक्ट्रिक पोल्स भी नहीं लगाए गए हैं, ना ही इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कुछ वर्क का सामान आया है बिसाऊ रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए फाउंडेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए गए हैं, ओनली फाउंडेशन के लिए खड्डे खोद दिए गए हैं, परंतु चिनाई विनाई का काम अभी यहाँ पर नहीं किया गया है बिसाऊ रेलवे स्टेशन पर। ओनली फाउंडेशन के लिए यहाँ पर खड्डे खोदे गए हैं। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि बिसाऊ रेलवे स्टेशन से पहले अभी कुछ लोकेशन पर पोल्स लगाए गए हैं, कुछ लोकेशन पर पोल्स लगा दिए गए परंतु उन्हें 90 डिग्री पर खड़ा नहीं किया गया है, और कुछ लोकेशन पर अभी पोल्स भी नहीं लगाए गए, ओनली फाउंडेशन का वर्क ही कंप्लीट किया गया है। जो भी था मैंने आपको वीडियो में कंप्लीट दिखा दिया है कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हुआ है। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आगे देखते हैं कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है बिसाऊ चूरू सेक्शन पर। तो गाइस बिसाऊ चूरू सेक्शन पर आप यहां पर देख सकते हो इस वाले लोकेशन पर पोल्स तो लगाए जा चुके हैं, परंतु पोल्स पर स्टेट ट्यूब और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क स्टार्ट नहीं किया गया है। इस वाले लोकेशन पर आप देख सकते हो ओनली पोल्स को 90 डिग्री पर खड़ा किया जा चुका है, परंतु कुछ लोकेशन पर पोल्स को भी 90 डिग्री पर खड़ा नहीं किया गया है। रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आगे कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मिलते हैं चूरू जंक्शन रेलवे स्टेशन के अराइवल पर। सो गाइस सादलपुर चूरू लाइन और फतेहपुर सेकावटी चूरू लाइन दोनों लाइन जब जॉइंट होती है तो आप इस वाले लोकेशन पर देख सकते हो कि 5 से 6 पोल्स पर अभी यहाँ पर स्टेट ट्यूब और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क कंप्लीट नहीं किया गया है जैसे हम चूरू जंक्शन पहुंचने वाले होते हैं। और अपना सेकंड पार्ट था चूरू जंक्शन तक ही, क्योंकि आपको पता है आगे इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो अपना सेकंड पार्ट था चूरू जंक्शन तक। और आपको अब पता लग गया होगा कि सीकर से और चूरू तक कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट देखा हो तो आपको कंप्लीट पता लग गया होगा कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है। जब भी आपका कुछ भी डाउट्स रह गया हो सीकर चूरू सेक्शन में, जब भी आपका कुछ डाउट्स रह गया हो इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटिव, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट्स आपका नहीं रहना चाहिए इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटिव। और अपना सेकंड पार्ट था चूरू जंक्शन तक। आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो आपके एक लाइक से काफी ज्यादा हौसला मिलता है गाइस। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटिव आपको वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। अब मिलेंगे जल्दी एक और इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।